If fx is equal to y, which is equal to ax minus b over cx minus a, then prove that fy is equal to x. So let's see how we are going to solve this problem. So chaliye shuru karte hain. Dekhiye, in the question it is provided that fx is equal to ax minus b over cx minus a. ठीक है, तो अगर एफ एक्स आपका ये एक्सप्रेशन है और अगर मैं एफ वाई की बात करूं तो एफ वाई मेरे पास होगा, मतलब जहां जहां एक्स है उसको आप वाई से रिप्लेस कर दीजिए. दैट विल बिकम ए वाई माइनस बी अपॉन सी वाई माइनस ए के. और इन द क्वेश्चन आई हैव टू प्रूव दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई इज इक्वल टू एक्स के. तो देखिए क्वेश्चन में ये दे रखा है कि वाई की वैल्यू आपके पास बराबर है ax माइनस बी ओवर cx माइनस ए के. तो मुझे करना क्या होगा कि मुझे यहाँ पे x की वैल्यू को सिंप्लीफाई करना है, मतलब x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y मुझे लेके आनी है. यानी कि मैं इसे लिख सकता हूँ y इंटू सी एक्स माइनस ए इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी के. या फिर नेक्स्ट स्टेप में फर्दर अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये बनता है वाई सी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी के. या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं, या फिर हम लोग इसे लिख सकते हैं b माइनस ए वाई इज इक्वल टू ए एक्स माइनस वाई सी एक्स के. आपको याद होगा कि मैंने आपको बोला था कि हमारा टारगेट है x को इन टर्म्स ऑफ y लेके आना, और x को इन टर्म्स ऑफ y अगर मैं लेके आता हूं तो x मैंने कॉमन ले लिया, ये बनेगा a माइनस वाई सी, दिस इज a माइनस वाई सी एंड दैट इज इक्वल टू b माइनस ए वाई के. या फिर हम लोग इसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू बी माइनस ए वाई डिवाइडेड बाई ए माइनस वाई सी के. ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करें, यहाँ पे x की माइनस बी कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू ए वाई माइनस बी अपॉन सी वाई माइनस ए के. अब एक बार आपको स्टार्टिंग में देखना चाहिए ये वाले टर्म को एफ वाई इज इक्वल टू ए वाई माइनस बी ओवर सी वाई माइनस ए के. फाइनली मैं ये टर्म को रिप्लेस कर सकता हूं एफ ऑफ वाई से. एंड फाइनली दिस इज अ प्रूफ फॉर द गिवन क्वेश्चन. आपको ये स्टेटमेंट प्रूफ करना था कि गिवन एक्सप्रेशन के लिए एक्स इज मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ वाई के.